आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में रविवार को एक बड़े सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक ऑटो में इतना जबरदस्त टक्कर हुई कि ऑटो में बैठे कई लोग उसके अंदर ही दबे रह गए। घटना समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग के मुसरी घरारी रोड के विशंबरपुर एलोथ के पास की है। इस सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज स्थानीय निजी अस्पताल और सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। इस भीषण दुर्घटना के बाद ऑटो में सवार 4 लोगों का शव सड़क पर बिखर गया। आक्रोशित लोगों ने बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर DSP तनवीर अहमद घटनास्थल पर पहुंचकर खुद से स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से सड़क और ऑटो में फंसे लोगों के शव को निकालकर एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजने के बाद समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग के जाम को समाप्त करवाया। बाद में समस्तीपुर के SP दीपक रंजन भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। SP ने दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 बताई है, वहीं घायलों की संख्या 3 है जिसका इलाज चल रहा है। इसी दौरान ऑटो के चालक जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था वो जिंदा हो उठा। आनन फानन में डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन लगाकर शुरू कर दिया लेकिन बाद में फिर उसकी मौत हो गई। समस्तीपुर से मुस्की गरारी के आते हुए टेलीफोन पर यात्री सवार थे और सामने से आते हुए एक कार को बचाने के क्रम में वो टेम्पो और ट्रक का टक्कर हो गया है, जिसमें मौके वारदात पे ही कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी पूरी सूचना नहीं है कितने लोग हमारे हैं, लेकिन बच्चा है 4 साल के आसपास की बच्ची है और 4 व्यक्ति, तो टोटल अभी जो है 11 लोगों के दुर्घटना में मृत्यु होने की है। 3 लोग इसमें इंजर्ड हैं जिसमें से 2 वहाँ लोकल के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 1 यहाँ पे है। समस्तीपुर से पटना जाने वाले मुख्य मार्ग पर समस्तीपुर में शाम में मुसरी घरारी जा रही ऑटो विशंबरपुर एलोथ के निकट ओवरटेक करना चाह रही, इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। बाकी 7 लोगों की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल और निजी क्लिनिक में हो गई। वहीं 3 लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी पर पूरे आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। SP से लेकर सारे अधिकारी घटनास्थल की ओर कूच कर गए। इस घटना पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को अविलंब मुआवजा देने का निर्देश DM को दिया। वहीं सदर अस्पताल पहुंचे स्थानीय विधायक राजद के प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी डॉक्टरों की कमी है, CM से लेकर DM तक लापता है, हर मिनट लोगों की मौत हो रही है। जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं सदर DSP ने घटनास्थल से ट्रक को जब्त कर लिया है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए समस्तीपुर से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट।